खबर उत्तराखंड के हरिद्वार लश्कर से है। जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व लोकसभा प्रत्याशी भावना पांडे ने एक बार फिर बयान दिया है, जिस पर भावना पांडे ने खानपुर विधायक उमेश कुमार और बीजेपी के पूर्व विधायक कुमार प्रणब सिंह चैंपियन पर प्रहार किया है। इस प्रहार में भावना पांडे ने कहा कि खानपुर विधायक और कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन दोनों सिडगुल की नपाई का लालच देकर आम जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वहीं दोनों के बयानों को दरकिनार करते हुए जेसीपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दोनों में से कोई भी सिडगुल नहीं लाने वाला है, वह बल्कि सिर्फ जुबानी बहस कर रहे हैं, जबकि सिडगुल उत्तराखंड सरकार के द्वारा तैयार करने की अभी तैयारी मात्र है। वह खुद उत्तराखंड में दो जगह पर जल्द ही सिडगुल लाने वाली हैं और इसकी तैयारी पूरी होने वाली है। उन्होंने पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक को झूठ के पुतले बताते हुए कहा कि वह जल्द ही उनकी झूठ की पोल खोलने वाली हैं। इतना बड़ा झूठा, उसको ये पूछो सिडगुल की स्पेलिंग बता उसको, किस बात का सिडगुल ला रहा हो? अरे 80 एकड़ सरकार की जमीन है, सरकार ने वहां सड़कें बनाई, ये क्या किसकी हैसियत है सिडगुल लाएगा भाई? उसके बगल में हम लोग भी निजी सिडकुल ला रहे हैं, आप देखना उससे पहले तो सिडकुल हम लाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार के पास 80 एकड़ जमीन है, सड़क बिजली पानी सब है, कोई न तो उसको कोई चैंपियन लाया न उमेश लाया, वो सरकार को के पास जहाँ लैंड होगी वहाँ बनाएगी सिडकुल। ये बकवास करते हैं फेसबुक में, मैं ये कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रही है। अरे अपने घर की लोगों के थाने चौकी से छुड़वा लो, इतना तो तुम कर नहीं सकते। तुम खंभे सड़क बिजली लगा लो, तुम्हारी औकात है तुम सिडकुल लाओगे? बेकार में फेसबुक, एक कभी कुंवर कहता है मैं ला ले आ रहा हूँ सिडकुल, कभी वो कहता है उमेश, कोई नहीं ला रहा सिडकुल, बकवास करते हैं, सिडकुल मैं लाऊंगी वहाँ पर। और वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, अभी हम लोग दो तीन जगह, क्योंकि अभी ग्लोबल समिट की वजह से सारे अधिकारी बिजी थे, और फिर दूसरा एक वन विंडो सिस्टम के चक्कर में हम लोग नया पॉलिसी बनाने के चक्कर में वेट कर रहे थे कि भाई अभी इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है कि अगर कोई ज़मीन लेगा तो वन, अगर वो इंडस्ट्री डालता है तो उसकी ऑटोमेटिकली 143 हो जाएगी, इसलिए हमारा 2.5 महीने प्रोजेक्ट लेट हुआ। आप देखना सबसे पहले सिडकुल में लाऊंगी, कुछ नहीं ला रही है, तो गवर्नमेंट की जमीन में लड़ रहे हैं, सरकार की जमीन है, मैं खोल दूंगी मैं, ये फालतू की बकवास नहीं करना। हाँ कभी कोई अगर विधायक होने के नाते कभी चिट्ठी लिख दी होगी कि भाई हमारे यहाँ सिडकुल चाहिए, तो तुम्हारी चिट्ठी पे कोई काम कर रहा है? यहाँ मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुनता, तुम्हारी कौन सुन रहा भाई? है भाई एवा बताओ, तुम अधिकारी लोग तुम्हारी सुनेंगे? यहाँ कैबिनेट मंत्री की नहीं सुनता ये अधिकारी? ये तो क्या है कि अभी इनको गैंडी खाता में भी जमीन है, मगर गैंडी खाता में पेड़ की परमिशन नहीं है, सिर्फ प्रहलादपुर में 80 एकड़ जमीन गवर्नमेंट की है जिसमें सड़क पास करा रखी है उन्होंने, वो भारत उत्तराखंड सरकार ने कराई। इन्होंने क्या कराया जरा मेरे सामने डिबेट करने बैठाओ इनको, दोनों जो पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं बेवकूफ कहीं के हैं। कभी कहता है वर्ल्ड चैंपियन मैंने सिडकुल ला रहा हूँ, कभी कहता है उमेश में कुछ नहीं ला रहे हैं, ये पब्लिक को झूठा बेवकूफ बनाते हैं। तो खबरदार, ये मेरी लोकसभा है, यहाँ पब्लिक को बेवकूफ ना बनाना, कपड़े फाड़ दूंगी मैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।